वडोदरा से लखनऊ के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चारबाग स्टेशन पहुंच चुकी है, जिसमें 1250 मजदूरों को लाया गया है। इस दौरान सभी का मेडिकल चेकअप और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद बसों से घर के लिए रवाना किया गया है। सभी मजदूर खुश नजर आए हैं और उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी दिया है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लोगों को लाने का काम शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जो लगातार जो फंसे हुए थे उनको लखनऊ लाने का या जहां जहां के लोग हैं उनको लाने का काम कर रही है। इसी में आपको बता दें, आज वडोदरा से लखनऊ के लिए ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंची है, जिसमें लगभग 1250 यात्रियों को लाया गया है। आपको बता दें, ये सभी यात्री जो हैं वो लॉकडाउन के चलते वहां पर फंसे हुए थे, जिनके लाने के लिए केंद्र सरकार व गृह मंत्रालय व रेल मंत्रालय की तरफ से कई तरह की गाइडलाइन भी जारी करी गई थी। आप देख सकते हैं, ट्रेन के अंदर पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हो रहा है। जो यात्री इसमें बैठे हैं आप देख रहे हैं, उसमें गैप लेके इन लोगों को बिठाया गया है। कई तरह की गाइडलाइन जारी करी हैं कि जिनको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा सिर्फ वही यात्रा कर पाएंगे, और इस दौरान किसी भी यात्री से टिकट नहीं लिया जाएगा। वहीं पर आपको बता दें, इनको खाने के पैकेट भी दिए जा रहे हैं और तमाम तरह के इनके इस दौरान चेकअप भी किए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें कि इस ट्रेन में जितने भी लोग मौजूद रहेंगे उन सभी का मेडिकल चेकअप होगा, साथ साथ थर्मल स्कैनिंग होगी, जिसके बाद उनको एक एक डिब्बे से उतारकर बाहर उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें खड़ी हैं, वहां से इनको इनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अपने आप में जिस तरह से लॉकडाउन के चलते लगभग ये लोग 40-45 दिन से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, उसमें एक ही अच्छी खबर है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? सर वडोदरा से आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सफर आपका कैसा रहा? अच्छा था, सफर अच्छा रहा। हाँ जी, नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं थी। चौबीस घंटे। अच्छा ठीक है, आप बताइए कैसा सफर रहा? अच्छा था सर। कितने दिन से फंसे हुए थे? हम लोग 2 महीने से फंसे हुए। अच्छा, 2 महीने। हाँ, अब आज कैसा लग रहा है? आज मतलब अच्छा लग, खुशी है कि मतलब गाँव जा रहे हैं। ये जो यहाँ पे यात्री मौजूद हैं जो कहे वडोदरा से आए हैं और जिनको अपने घर के लिए जाना है, और ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि कोई 2 महीने से फंसा है वहीं पे, कोई 1.5 महीने से फंसा, लेकिन आज जिस तरह से ये लोग अपने घर जा रहे हैं इनके जो चेहरे की खुशी है वो दिखाई दे रही है, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। तो राहत की खबर है कि लॉकडाउन के चलते अब जो अलग अलग हिस्सों में और लोग फंसे हुए हैं वो अब अपने घर जल्द से जल्द पहुँच सकेंगे। संदीप खेर कैमरा पर्सन आशीष के साथ R9 TV उत्तर प्रदेश।